नमस्कार फ्रेंड, फिर से BNS इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों का स्वागत है। एक सैमसंग टीवी में ऐसा लाइन आ रहा है, देख सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन सा भी लाइन आने दो और कौन सा भी कंपनी का होने दो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगा, इसमें भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा पैनल खराब रहेगा, अगर टीकन बोर्ड खराब रहेगा, वोल्टेज सही से नहीं आ रहा होगा, तो इस प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होने। अगर इस तरह आपका बार आ रहा है तो सबसे पहले हम धूप में रखेंगे, आधा से एक घंटे तक पैनल को धूप में रख देंगे और चारों तरफ से देखेंगे उसके कहीं पे कार्बन जैसा नहीं हो गया। तो अगर कार्बन जैसा हो गया होगा, एक ब्लेड लेके उसको साफ करेंगे अच्छे से। अगर थिनर रहेगा और अच्छा है, थिनर से भी आप साफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये साफ करने के बाद अच्छी से कपड़ा लेके इसका बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से एक साफ कपड़ा लेके बिल्कुल साफ करेंगे। थोड़ा सा भी गंदा इसमें रहने नहीं देंगे, पूरा क्लीन कर लेंगे। अच्छी से पूरा बिल्कुल साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद ये कभी काम करता है, जब भी हमारा जो बारिश का मौसम में थोड़ा मॉइस्चर जैसा हो जाता है अंदर, उसका वजह से कार्बन होके ये प्रॉब्लम भी होता है। अगर हमारा कप आइस को वोल्टेज सही से नहीं पहुंचेगा, तो भी इस तरह प्रॉब्लम होता है। उससे पहले हम LVDS केबल को भी चेक कर लेंगे, हमारा LVDS केबल सही है कि ख़राब है। इस केबल को भी अच्छे से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद इस तरह प्रॉब्लम है, कम से कम 2-3 TV इसको करके दिया है, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अच्छे से चल रहा है, अभी भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। कम से कम मैं 6-7 महीना हो गया, मेरे उसको सही करके दे दिया और चल रहा है। मैं आपको इसमें भी टेस्टिंग करके बता दूंगा, सामने आपको बताऊंगा किस तरह मेरा चल रहा है। ये देख सकते हो किस तरह मेरा कार्बन जैसा हो चुका है, पूरा देखो पैनल का साइड से देखो किस तरह दिख रहा है। इसको बिल्कुल साफ कर लेंगे। ये देखो डिस्प्ले मेरा थोड़ा सा टूट गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो चल रहा है और चलेगा भी। अभी इसको सही से पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहले टीकन बोर्ड का जितना भी वोल्टेज है उसको चेक कर लीजिए। टीकन बोर्ड में आपका अगर वोल्टेज आपको पता नहीं रहेगा कहाँ से कितना जा रहा है, अगले वीडियो में उसका बारे में बता दूंगा। हमारे इनपुट को कितना वोल्ट होना चाहिए और आउटपुट कहाँ कहाँ से कितना वोल्ट जा रहा है, ये देख सकते हो। मेरा पैक कर दिया मैंने इसको, इसका मदरबोर्ड डाल के पावर सप्लाई देके उसको कंप्लीट पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद इसको चालू करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी LVDS केबल में थोड़ा क्या स्क्रैच हो जाता है, उसका वजह से भी ये दिक्कत होता है। लेकिन ये जो मैं तरीका आपको बताया, ये 100% तो नहीं कह सकते, कम से कम 50% काम करेगा। देखो इस तरह पूरा बिल्कुल साफ करना चाहिए, मैं पास में दिखा देता हूँ। और ये आपका ख़राब रहेगा तो भी इस तरह प्रॉब्लम होता है। ये देखो ये मेरा सेटिंग कर लिया सब कुछ। अभी इसका ऊपर वाला कवर भी डाल देंगे, डालने के बाद इसको सप्लाई देके चेक करके बताऊंगा। मेरा जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हुआ कि नहीं, मैंने बाकी का वोल्टेज सब कुछ चेक कर लिया। मेरा अभी टीवी में सब कुछ सही, वोल्टेज सही जगह पे सही, सब कुछ सही हो रहा है। अभी आगे देखेंगे ये हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ कि नहीं। मेरा तो ये हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, मैं टेस्टिंग करके देख चुका हूँ। उससे पहले आप एक ब्रश लेके अंदर जो भी कचरा है उसको साफ करना भी जरूरी है। जितना हम टीवी को साफ रखेंगे उतना हमारा
ज़्यादा दिन लास्टिंग चलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि हमारा गंदा रहेगा टीवी बारिश का मौसम में वो भीग जाता जैसा होता है, होने से वो क्या अपना आप जाके किधर आइस उइस में टच करके वो ख़राब करता है, इसलिए उसको साफ करेगा तो हमारा टीवी भी साफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये देखो मैं सेट हो गया, अभी इसका स्क्रू लगा लिया मैंने, अभी देखे उसको चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो इसको पावर में कनेक्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हो मेरा इंडिकेटर चालू हो गया, ये ऑफ होते ही मेरा टीवी चालू हो जाएगा। ये देख सकते हो मेरा HDMI सही से दिख रहा है, बीच में कोई कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो मेरा टीवी बिल्कुल ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अभी चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।